दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल VGFX पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडजस्टिंग पैनल के बारे में कि कैसे हम एडजस्टिंग पैनल का यूज करते हैं Adobe प्रीमियर के अंदर। आइए जानते हैं। ये देखिए, ये जो हमारे होते हैं ये एडजस्टिंग पैनल होते हैं सारे के सारे, ये जो टॉप पे लगे रहते हैं ये वाले, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, हम बंद कर देते हैं। ये हमारे ये वाले जो पॉइंट होते हैं ये जितने भी हैं, ये हमारे एडजस्टिंग पैनल होते हैं, ये वाला इफेक्ट, हिस्ट्री, लाइब्रेरी और प्रोजेक्ट। इनको आप चाहो तो इस टाइप से भी मूव कर सकते हो। ये देखिए मैंने इस टाइप से भी मूव कर लिया, इसको सेकंड में, थर्ड में और लाइब्रेरी में, इस टाइप से भी। और चाहो तो आप इनको बंद भी कर सकते हो, क्योंकि इनको बंद करने में कई बार लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आप हिस्ट्री में कोई भी काम कर रहे हो, ये देखिए मैंने किसी चीज़ को इंपोर्ट किया, ये पूरी हिस्ट्री आपको बता देगी कि यहाँ यहाँ आपने इस चीज़ को किया है, ये देखिए है ना। और इसको अगर हम बंद करना चाहें प्रीमियर पे, ये देखिए इसको हम ऐसे कर लेते हैं इमेज को, तो अगर इसको हम बंद करना चाहें तो उसका तरीका क्या है। ये आपके कॉर्नर पे जो ना एक यहाँ पर डायलॉग बॉक्स होता है, इसको हम कहते हैं क्लोज पैनल। ये देखिए ये हमारा आ गया क्लोज पैनल, और ये लगभग हर पैनल के कॉर्नर पे होता है। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, इन्फॉर्मेशन पे हम जाते हैं और इसको कर देते हैं हम क्लोज पैनल, तो ये ऑटोमेटिक आपका बंद हो जाएगा। हिस्ट्री पे जाते हैं, हिस्ट्री पे करेंगे क्लोज पैनल तो आपकी हिस्ट्री बंद हो जाएगी। लाइब्रेरी पे जाते हैं तो लाइब्रेरी आपकी बंद हो जाएगी। और इस तरह अगर इसको हम इफेक्ट को यहाँ पर डालना चाहते हैं, यानी कि अगर मूव करना चाहते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा इफेक्ट इस साइड में आ गया आपका प्रोग्राम फाइल्स के बगल में यहाँ पर, यानी कि ये आपकी जो प्रोग्राम मॉनिटर होता है उसके बगल में भी आप इफेक्ट को रख सकते हैं। वापस हम इसको उठा के यहीं पर ले आते हैं, इस टाइप से आप देखेंगे कि इस टाइप से यहाँ पर हम इसको ले कर आ गए। अब क्या है, ये थोड़ा सा हमारा ऊपर आ गया, इसको आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे आप रखिए और इस टाइप से ये कर दीजिए। ये देखिए हमारा इफेक्ट यहाँ पे आ गया, आप इस टाइप से ये आपका आ गया। तो ये आपके एडजस्टमेंटिंग पैनल होते हैं जितने भी होते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, जब भी आपको यूज करने हो तो ज़्यादा आपके एडजस्टिंग पैनल अगर यहाँ पर खुले हों तो उनको आप क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे भी कई बार एडजस्टिंग पैनल आपके ओपन हो जाते हैं, इनको बंद कर सकते हो आप यहाँ से क्लोज पैनल में। मेटा इफेक्ट कंट्रोल तो आपका वो रहता ही है, सिर्फ दो चीज़ें आपकी यहाँ पे रहनी चाहिए। एक तो आपका रहना चाहिए सोर्स, जो कि यहाँ की नीचे वाली क्लिप का होता है, जिससे कि आप प्ले करके देख सकते हैं। यहाँ पर सोर्स विंडो में सोर्स रहना चाहिए, और इफेक्ट में आपका कंट्रोल रहना चाहिए, जो भी आपका क्लिप का इफेक्ट कंट्रोल होता है, यानी कि पोजीशन, स्केलिंग वगैरह जो आपकी होती हैं। तो दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा और चीज़ों के बारे में। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।